दिल्ली के ओखला बैराज से छोड़े गए 3000 क्यूसेक पानी से वृंदावन में सैकड़ों मछलियों और जल जीवों की मौत हो गई है। यमुना का पानी है जो कि हर दिन किसी सेप्टिक टैंक से भी गंदा होता जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। दिल्ली में दिन ब दिन मैली होती यमुना इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि मछलियों के लिए भी काल बनती जा रही है। वजीराबाद बैराज तक जिस यमुना का पानी साफ है वो दिल्ली में महज 22 किलोमीटर के सफर में नाले में तब्दील हो जाती है। वजह तो कई हैं लेकिन 18 से ज्यादा नाले यमुना में मिलते हैं जो इसके पानी को दिन ब दिन जहरीला बनाते जा रहे हैं। 201.50 यही वो बॉर्डर पॉइंट है, जब इससे ऊपर पानी जाएगा तो एक दफा फिर से ये प्रदूषित नाले का पानी आगे की तरफ छोड़ दिया जाएगा, यानी कि यही पानी मथुरा की तरफ आगे जाएगा और वृंदावन की तरफ आगे जाएगा, यानी कि एक बार फिर से जो जलीय जंतु हैं, मछलियां हैं, उनकी जिंदगी पर खतरे की तरह मंडराएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हालत सुधारने के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए गए लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। कोई कानून निकाल भी रहा है, NGT ने 5,000 rupees फाइन रखा हुआ है कि वहां पर कोई बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं करेगा, मगर लोग सुनते नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर लॉज निकल भी रहे हैं तो या तो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हम, और क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो लोग भी उसको सीरियसली नहीं ले रहे। यमुना का सबसे ज्यादा प्रदूषण स्तर दिल्ली, आगरा और मथुरा का है। इन जगहों पर पानी में ऑक्सीजन न के बराबर है। जो यमुना का पानी शुद्ध है, निर्मल है, पतित पावन है, वो दिल्ली में पहुंचते पहुंचते 22 किलोमीटर का महज सफर करते करते पूरी तरह से नाले में तब्दील हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली।